अभी लड़के काफी नए लड़के आए हैं, नए फेसेस आए हैं, क्योंकि आपको पता है कई लड़के मूव हो गए इधर से सिटी हाँ से, चले गया ठीक कैसे है, काम की वजह इस से। वजह से टीम भी हमारी उस तरह नहीं रही है, लेकिन अब लड़के आए हैं, हमें फील हुआ है कि हमें दोबारा वापस आना चाहिए। आसान नहीं होता है इस वक्त टाइम निकाल के आना इतने दूर से, हम लोग भी जाते रहे हैं और लोग उन्होंने अच्छा हमें अप्रिशिएट करते रहे। हमारे कुछ प्लेयर ऑफ हो गए थे अच्छा और लाला भी इस चीज़ के मैन ऑर्गेनाइजर थे, वो भी बीच में से गायब हो गए थे। आप ही इन सबको मोटिवेट करते हैं और एक अच्छी चीज़ है, आप सब देखते हैं लोग लाइव आ रहे हैं, कवरेज आप देते हैं, ये कोई नहीं इस तरह कर सकता है, ये आपका शुक्रिया है। और इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि टीमें और बढ़ती चढ़ती आ रही हैं। जी असान इस वजह तक सकते हैं बड़े खूबसूरत चेहरे थे, बड़ी खूबसूरत टीम असा ऑल ओवर द यूके जाता है टीम ने इंटरव्यू करने रहने हैं। जितने साढ़े यूके सुपर स्पोर्ट ने 11 लाख फॉलोअर है, इतने की एक नवी टीम ने लाने हैं, स्टोक ऑन ट्रेंट की टीम है, इतना नहीं मुकामी टीम है, स्टोक ऑन ट्रेंट की एक बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट होना पाया जितना यूके बार तो 16 टीम पार्टिसिपेट किया। तो यह टीम मेजबान टीम भी है, इन्होंने प्लेयर ना गलबात करने हैं कि तुम कैसा लगना पाया स्टोक ऑन ट्रेंट की टूर्नामेंट होना पाया। सब तो पहले तो सू बहुत शुक्रिया सर नजरनी की ना किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सैयद इत्तेसाम उल हक गिलानी है, हमारी दो टीम है, जहाँ आपकी दो टीमें टीम है अच्छा और ए और बी टीम्स है, ए और बी टीम दोनों माशाल्लाह टीम है, पूरी टीम है ए और बी, इसलिए कि लड़के हमारे पास बहुत ज्यादा है सो इसलिए हमें दो टीमें देनी पड़ी। अच्छा क्या वजह बनी क्योंकि आपकी स्टोक की टीम 2016-17 में ऑल ओवर द यूके टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन उसके बाद आपकी टीम नजर नहीं आई। आज आपने एक बार फिर टूर्नामेंट जाया और यूके बार से 16 टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही, तो आपकी टीमों ने भी हिस्सा लिया, क्या वजह बनी क्रिकेट से दूरी की? असल में हमारे कुछ प्लेयर ऑफ हो गए थे अच्छा और लाला भी इस चीज़ के मैन ऑर्गेनाइजर थे, वो भी बीच में से गायब हो गए थे और फिर हमारे लड़के भी कामों में मसरूफ रहे हैं और इस वजह से क्या कहते हैं कि इकट्ठे नहीं हो सके हैं। और अभी लड़के काफ़ी नए लड़के आए हैं, नए फेसेस आए हैं, क्योंकि आपको पता है कई लड़के मूव हो गए इधर से सिटी से, चले गया ठीक है, काम की वजह से। इस वजह से टीम भी हमारी उस तरह नहीं रही है, लेकिन अब लड़के आए हैं, हमें फील हुआ है कि हमें दोबारा वापस आना चाहिए और हमारे स्टॉक के लिए बच्चों के लिए ये बेहतर है, क्योंकि हम लोग तो खेलते ही आए हैं काफ़ी अर्से से और ये सारी कावशें लाला की हैं कि उन्होंने वापस बच्चों को कहा कि दोबारा टूर्नामेंट स्टार्ट करो ताकि आप लोग आगे आने वाले वक्त में एक दूसरे के लिए कहेंगे। इंशाल्लाह पूरा टूर्नामेंट जब खत्म होगा आपको पता लगेगा कि स्टोक के लड़के कितना अच्छा पेश कर रहे हैं। अच्छा कोई गेम खेले अभी तक नहीं खेले? खेल चुके हैं, एक जीते एक, हारे। एक टीम हमारी एक ए जीत चुकी है और बी टीम हारी है, लेकिन वो भी अच्छा मुकाबला था, आखिर ओवर में समझे उन्होंने जीता। अच्छा, क्योंकि आप लोग मेजबान हैं, आप लोग टूर्नामेंट करवा रहे हैं जिस तरह लाला गफार मयूं भाई और आप भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप जो आने वाली मेहमान टीम है उनका किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि आप लोग मेजबान हैं, आपने उन लोगों की मेहमानबाजी करनी है, तो कितनी खुशी हुई है ये ओके ऑल ओवर द यूके 16 टीमें यहाँ पे आई है, उनके लिए क्या मैसेज देना? सबसे पहले तो सब भाइयों उनका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आसान नहीं होता है इस वक्त टाइम निकाल के आना इतने दूर से, हम लोग भी जाते रहे हैं और लोग उन्होंने अच्छा हमें अप्रिशिएट करते रहे, आगे भी जब टूर्नामेंट होंगे हम उनके लिए भी जाया करेंगे और ये अच्छी मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम स्टोक के प्लेयर जो हैं इंशाल्लाह टूर्नामेंट में भी जाया करेंगे आगे। अच्छा शाह साहब लास्ट में ये बताया जो आज इनके मीडिया पार्टनर है हमारा 11 लाख फॉलोअर है ऑल ओवर द यूके, जहाँ भी इवेंट होते हैं हम लोग बुलाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, हम वहाँ से प्लेयरों को भी मिलाते हैं, लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, तो हमारी मीडिया टीम के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दुनिया भर में हमें लोग देखते हैं? हम कोशिश करते हैं ग्रास रूट के लड़के जितने भी हैं, मतलब हमने नॉटिंघम में टूर्नामेंट कवर किया लास्ट वीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 से 7 लाख लोगों ने देखा है, तो कितना गुड होता है यंगस्टर के लिए जब हम ऐसी लाइव स्ट्रीम करते हैं? तो सबसे पहले तो इसमें आपकी ख्वाहिशें हैं, थैंक यू सब कुछ आप सब इन प्लेयर्स के लिए करते हैं और अपना टाइम निकाल के जाते हैं, आपको बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ही इन सबको मोटिवेट करते हैं और एक अच्छी चीज़ है, आप सब देखते हैं लोग लाइव आ रहे हैं, कवरेज आप देते हैं, ये कोई नहीं इस तरह कर सकता है, ये आपका शुक्रिया है। और इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि टीमें और बढ़ती चढ़ती आ रही हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, कहती हैं कि चलें टूर्नामेंट है, एक अच्छे एक मिसाल कायम करते हैं लड़के सारे, क्यों कि एक तो उनको पता है कि हम लाइव कवरेज पर आएँगे, अच्छे हमारी प्रमोशन होगी, दुनिया देखेंगे, लेकिन इसका सबका क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आपने इसका चीज़ मैंने खुद देखा, काफ़ी देख मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस चीज़ को बहुत अच्छा प्रमोट कर रहे हैं। ये थी जी स्टॉक की टीम, आपने शाह साहब की बात सुनी, ये इस टीम को लीड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी नेक्स्ट ईयर इवेंट हो वहाँ स्टॉक की टीम पार्टिसिपेट करे और जिस तरह पहले स्टॉक के क्रिकेटर स्टॉक की टीम चैंपियन बना करती थी, आई होप कि एक बार फिर ये ग्राउंड में जाएँ, अपने स्टॉक का नाम रोशन करें। हम इजाज़त दें, अल्लाह रहे के बाद।